तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वेजिटेबल सूप बनाना बताएंगे कि वो कैसे बनता है। उसके लिए हमने थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले ली हैं। ये हमने गाजर काट के रख ली है बारीक बारीक, हरी मटर है, गोभी ले ली है हमने, एक टुकड़ा अदरक का काट के रख लिया है और एक छोटी हरी मिर्च हमने काट के रख ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप पानी डाल लेना पैन में। अब पानी को हम पहले गर्म करेंगे। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने सब्जियां डालनी है। अदरक और हरी मिर्च को छोड़ के हमने ये तीनों सब्जियां डाल देनी है। अदरक और हरी मिर्च हम लास्ट में डालेंगे। गोभी डाल दी है, हरे मटर भी डाल देंगे और गाजर भी डाल देंगे। अब इसको पकाते हैं। पहले जब तक सब्जियों में बॉयल आता है तब तक हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ले लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बना लेनी है ताकि ये मार्केट स्टाइल बिल्कुल हमारा जो बन के रेडी हो जाए। इसमें हमने हल्का सा नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चुटकी हमने काली मिर्च की डाल देनी है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का अरारोट का घोल बना के रखा था वो डाल देंगे। इससे ये सूप बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल जो बन जाता है। इसमें हम थोड़ी सी किसान टमाटो सॉस थोड़ी सी डाल देंगे टेस्टी बनाने के लिए। हिलाते रहेंगे इसको। अब ये सूप हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हमने एक टुकड़ा जो अदरक का काट के रखा था वो डाल देंगे और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हमने आधी हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी डाल देंगे। लाल मिर्च का यूज हमने इसमें नहीं करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये गाढ़ा सूप हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सूप घर पे ही बन के रेडी हो गया है। अब इसको हमने बाउल में सर्व कर देना है। बहुत ही कलरफुल सूप बन चुका है क्योंकि सर्दियों में सब्जियां खूब आ चुकी हैं, तो अपनी मनपसंद की सब्जियां आप डाल के ये सूप घर पे बच्चों को एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सूप बन जाता है ये। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। देखिए पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी, बहुत ही गाढ़ा सूप ये बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।